मॉर्निंग। कल जो चैप्टर हुआ था उसमें पार्ट वन बना था और आज हम इस चैप्टर का पार्ट टू बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, रीजंस फॉर पॉवर्टी, गरीबी के क्या क्या कारण है। इन इंडिया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। साफ साफ लिखा हुआ बच्चों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से भारत में गरीबी है। रीजंस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। फर्स्ट सोशल फैक्टर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड पॉवर्टी। हमारे भारत का जो मूलभूत ढांचा है इसकी वजह से गरीबी बढ़ी है। बर्थ मैरिज एंड डेथ रिलेटेड ट्रेडिशंस आर द रीजंस विच पुट ए मैन इन ए डेब्ट। जन्म, शादी, विवाह और मृत्यु से संबंधित जो परंपराएं हम यहाँ निभाते हैं, मनुष्य को ये परंपराएं कर्ज में ले डूबती है। विच पुट ए मैन इन इन टू डेब्ट। ए पर्सन डज नॉट कम आउट ऑफ द बर्डन ऑफ डेब्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। एक मनुष्य अपने पूरे जीवन भर में इस कर्ज से नहीं उभर पाता। द डिजायर फॉर ए सन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रोविंग पॉपुलेशन विच इज ए बिग फैक्टर ऑफ पॉवर्टी। एक लड़के की कामना ही हमें जनसंख्या बढ़ाने को प्रेरित करती है और इसकी वजह से गरीबी भी बढ़ती है। द रूरल हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड इनटू कास्ट विच सच इन ए कंडीशन वेयर ए लार्ज बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज मेड टू लिव इन एन इनफीरियर स्टेट। हमारे ग्रामीण हिंदू समाज है वह जातियों में बटा हुआ है, इसकी वजह से एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, कुछ हो न जाए इसकी वजह से कुछ नया कदम उठाने से डरते हैं। सोशल फैक्टर, रीजन फॉर पॉवर्टी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हमारे भारत के अधिकतम लोग आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। पीपल कैन नॉट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यू टू विच द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ रिमेन्स लो। लोग हैं शिक्षा में और स्वास्थ्य में आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में और उनका स्वास्थ्य सही नहीं कर पाते। ड्यू टू लो क्वालिटी दे गेट लेस इनकम एंड दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द वीसीए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसकी वजह से उनकी इनकम कम रहती है और वे इस गरीबी के कुचक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द इंडियंस रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर एंड देयर बेस ऑफ रिसोर्सेज वाज वेरी वीक। आज़ादी से पहले अधिकतर भारतीय लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उनका मेन स्रोत यही था जो कि कमजोर था। ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिमेंट लो। पूंजी निवेश कृषि में कम होने की वजह से उत्पादन भी कम होता था। फॉर दीज रीजन द इनकम इनकर्ड बाई स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इज स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन एट द मिनिमम लेवल ऑफ लाइवलीहुड। इसी वजह से छोटे छोटे किसान लोग ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे और उनको मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ता था, इसलिए उनकी जो आजीविका है उसका लेवल है बहुत कम रहा या रहता आया है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ए पर्सन। आर्थिक पिछड़ापन एक व्यक्ति के सामने जो अवसर है उसको कम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ए पर्सन कैन नॉट कम आउट ऑफ द वीसीए साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अवसर की अनुपलब्धता की वजह से एक व्यक्ति गरीबी के कुचक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारण क्या है। द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रूसम पॉवर्टी इन इंडिया। राजनीतिक इच्छा की कमी की वजह से हमारे भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। कारण क्या है। नो स्पेशल एफर्ट्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी सिंस द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना तक हमारे भारत में सरकार के माध्यम से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई कि हम गरीबी कैसे दूर करें। मैनी स्कीम्स वर सेटअप बाई डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी रिडिकेशन। बहुत सी सरकारों के माध्यम से गरीबी को जड़ मूल से हटाने के लिए बहुत सी कार्य किए गई, योजनाएं लागू की गई, बट ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लेकिन राजनीतिक इच्छा की वजह से, इच्छा नहीं होने की वजह से
द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स कुड नॉट रीच द टारगेट पॉपुलेशन। इसका जो लाभ है वह जो जनसंख्या जिनको इच्छित तौर पर फायदा पहुंचाना चाहिए था उन तक फायदा नहीं पहुंचा। देर आर मैनी लीकेज इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन टू, हमारे प्रशासन में बहुत सारे लीकेज है ड्यू टू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉलिसी बींग अडोप्टेड बाय द करंट गवर्नमेंट। अब हमारी भारतीय सरकार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉलिसी नीति अपनाई गई है ताकि बिचौलिए सरकारी अधिकारी या और भी लोग हैं वह कमीशन के तौर पे, भ्रष्टाचार के तौर पे, घूस के तौर पे गरीब लोगों का निवाला न खा सके। अदर फैक्टर्स, अन्य कारण क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर लो है। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमियों का जो बोलबाला है वो कम है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एंड वोकेशनल एजुकेशन, रोजगार से संबंधित जो शिक्षा है उसकी भी कमी है। पूर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो ढांचागत जो साचा है, जो ढांचा बना हुआ है शिक्षा का या और किसी फैक्टर का, वो भी कमी है, कमज़ोर है। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हम यहाँ पैसा कैसे बना सके उसकी भी कमी है। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है, अनुपलब्धता है। ये सब वो कारण है फॉर द आवफुल कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, ये जो भयानक गरीबी है उसका ये कारण है। वी हैव लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द कंट्री, हमारे देश में आय और उत्पादन का लेवल लो है, विच इज ए मेजर कोज ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। देर इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पुअर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इसलिए गरीब लोगों में आत्मविश्वास भी कम रहता है क्योंकि पैसा नहीं है, गरीबी है। सो दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक फाइनेंशियल रिस्क, इसलिए वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वित्तीय जोखिम उठा सके। एंड दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसलिए वो गरीबी के कुचक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। बाई एस्टेब्लिशिंग देयर ओन प्रोफेशन, अपना व्यवसाय भी नहीं स्थापित कर पाते। पॉवर्टी ऑल्सो ग्रोज ड्यू टू इन्फ्लेशन और प्राइज राइज, गरीबी है इन्फ्लेशन और प्राइज राइज बढ़ने से भी कई बार बनी रहती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइज मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई गुड्स रिलेटेड टू देयर बेसिक नीड्स फॉर देयर लाइवलीहुड, कीमतें बढ़ जाने की वजह से लोग ऑटोमेटिकली गरीब बन जाते हैं, अपने इच्छित सामान अपनी आजीविका के लिए ले नहीं पाते हैं एंड मूव बिलो द पॉवर्टी लाइन, एक बार फिर से गरीबी रेखा में चले जाते हैं। पॉवर्टी एलिमिनेशन मेजर्स, गरीबी उन्मूलन के कार्य, तो गरीबी को हम कैसे उठाएँ? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज, हमें शिक्षा का विस्तार करना है और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है। ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको पता है धीरे धीरे सरकार है इस पर अपना पूरा जोर दे रही है। सरकार शिक्षा के स्तर को सुधार रही है, आपको पता है एम्स है और बड़े बड़े हॉस्पिटल है, आईआईटी जी संस्थाएँ हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, बहुत सारा जो कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एम्स हॉस्पिटल बहुत जगह खोल दिए गए हैं, सरकारी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई है, मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, ये सब इसी में आ रहे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ चेंजेस द जनरल लेबर इनटू ह्यूमन कैपिटल, ये शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बदलाव है ये ह्यूमन कैपिटल की और लेबर, मनुष्य ज़्यादा पैसा कमा सके। अरे भाई, मनुष्य ज़्यादा पैसा कब कमाएगा? जब उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, जब वो शिक्षित होगा। जापान एंड अमेरिका है बिकम इकोनॉमिकली डेवलप्ड ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल, जापान और अमेरिका है आज बहुत ज़्यादा विकसित है। कारण क्या है कि वहाँ ह्यूमन कैपिटल है, वहाँ का प्रत्येक एक आदमी पैसा कमाने में सक्षम है। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज इन द पुअरर सेक्शन, इसलिए सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी ये सेक्शन बहुत पुअर है, कमज़ोर है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की अवसरता बढ़ा रही है सरकार। देयर इज ए डीप कोरिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, दे कोएग्जिस्ट, आपको पता है बेरोजगारी और गरीबी है दोनों एक दूसरे से मिली हुई है, दोनों का अस्तित्व साथ आता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी डिक्रीज्ड
बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कॉमन सी बात है, ये समस्याएं तभी दूर होगी जब लोगों को, ऐसे ही नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार का उपलब्ध होगा रोजगार। दोज पीपल इन द सोसाइटी हु हैव स्किल और एबिलिटीज कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ द पॉवर्टी सर्किल बाई इंक्रीजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। ऐसे व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जिनमें कौशलता है, जिनमें योग्यताएँ हैं, वो गरीबी से तभी बाहर निकल पाएंगे जब उनको उनकी योग्यता के अनुसार कामकाज मिलेगा। पुअर पीपल लैकिंग इन स्किल कैन इनक्रीज देयर परचेजिंग पावर बाई अर्निंग वेजेज। बेचारे गरीब लोग हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ कमाई करके फिर वो कुछ खरीदारी करेंगे। हावर मेनी प्रोग्राम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन स्टार्टेड बाय करंट एंड फॉर्मर गवर्नमेंट। यद्यपि हमारी वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारों ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं, बट देवर नॉट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम पॉवर्टी। लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि गरीबी की समस्या को जड़ मूल से समाप्त कर सके। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी बाई मेकिंग एजुकेशन मोर एम्प्लॉयबल। ये तभी संभव होगा जब हम शिक्षा को रोजगार की तरफ ले जाएं, कि व्यक्ति शिक्षित होकर अपना रोजगार पा सके, ये तभी संभव होगा। नीड टू कंट्रोल सोशल इवल्स, ये बहुत बड़ा बिंदु है, सामाजिक बुराइयों को हम दूर कर सके। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं कि सामाजिक बुराइयाँ क्या क्या है। क्लचेज ऑफ पॉवर्टी, बहुत से लोगों को गरीबी के जाल में फंसा के रखते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी सामाजिक बुराई है। दूसरा, जातिवाद, पैसे ब्याज पे देना, लोगों को ब्याज पे घुमाते रहना, ये बहुत सारी ऐसी आफतें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि दुनिया में हमारा देश 2 नंबर पे है जनसंख्या में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्प्रेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिक्रीज द डेथ रेट रेपिडली, बट द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द बर्थ रेट डिड नॉट टेक प्लेस। आज़ादी के पश्चात स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाई सरकार, फिर भी बढ़ाई है, और डेथ रेट भी कमज़ोर हुई है, लेकिन यहाँ बर्थ रेट है वो नहीं रुकी है। इसका मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हुई है। ड्यू टू डिफरेंसेज बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज रेपिडली। जन्म दर और मृत्यु दर में ज़्यादा अंतर होने की वजह से हमारे देश में जनसंख्या खूब बढ़ी है। ड्यू टू दिस रेपिड ग्रोथ सम ऑफ द वेरी फ्यू असेट्स वर डिवाइडेड अमंग द सन्स एंड पुअर पीपल बिकम पुअरर। ये जनसंख्या वृद्धि की वजह से बहुत सी संपत्तियाँ थी वो भागों में बट गई, और गरीब या किसी व्यक्ति का बेटा और ज़्यादा गरीब से गरीब बनता गया। ड्यू टू हायर पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन पुअर फैमिलीज कुड नॉट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर देम। उस शिक्षा की वजह से बेचारे गरीब लोग अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षित नहीं कर सके, एंड हेल्थ फॉर देम, और उनका स्वास्थ्य भी मेंटेन नहीं बनाए रख सके। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। गरीबी को जड़ मूल से हटाने के लिए सबसे ज़रूरी उपाय है जनसंख्या को नियंत्रण में रखना। ई पॉइंट है, रीच द बेनिफिट टू टारगेटेड पर्सन और कम्युनिटी। हम सुविधाएँ इच्छित व्यक्ति तक पहुँचाए, समुदाय तक पहुँचाए। फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मेनी एम्बिशियस स्कीम एंड प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट। गरीबी को जड़ मूल से हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है, बट देर आर मेनी लीकेज इन इट ड्यू टू विच वी फेल टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लीकेज हैं जिनकी वजह से ये सुविधाएं उन इच्छित लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, असफल रही है। ड्यू टू दीज लीकेज ए मेजर पोर्शन ऑफ द एलोकेटेड रिसोर्सेज फॉर द पुअर इज एलोकेटेड टू नॉट सो पुअर पीपल। इस लीकेज की वजह से जो स्रोत, जो सुविधाएं उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, गरीब आदमी तक, वो नहीं पहुंच पा रही है। इफ़ द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन में हटाना, यदि सरकार गरीबी को हटाने के लिए गंभीर है, देन इट विल हैव टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम रीच द पुअर। तो हम ये निश्चित मानेंगे कि योजनाएँ गरीबों तक पहुँचेगी। मेजर अडोप्टेड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन,
गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। यहाँ ये बताया गया, शुरुआत में बिफोर द डिकेड ऑफ 1970 द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। 1970 के दशक से पहले सरकार ने कुछ भी नहीं किया गरीबी हटाने के लिए। आफ्टर 1970 ए न्यू मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। 1970 के बाद भारत में सरकार ने गरीबी हटाओ नारे के साथ नीतियां लागू की। मैनी प्रोग्राम्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर लॉन्च एंड एफर्ट्स वर मेड टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम पॉवर्टी। बहुत से कार्यक्रम लागू किए गए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे प्रयास जारी किए गए ताकि गरीबी को जड़मूल से हटाया जा सके। द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चिन्हित किया, BPL उनको नाम दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन। दे है अडोप्टेड इन देयर पॉलिसी, उनके लिए अलग से नीतियाँ बनाई गई। नेसेसरी सर्विसेज उनके लिए लागू की गई एंड सर्विसेज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट फ्री और एट लो कॉस्ट। उनके लिए सुविधाएं उनको या तो मुफ्त में दी गई या कम प्राइस पे दी गई, लेस प्राइस पे। दीज पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट। इन नीतियों की वजह से सरकार ने कुछ हद तक गरीबी को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक ये कंट्रोल में नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। इफ ए पर्सन इज क्वालिफाइड एंड विलिंग टू वर्क, यदि एक व्यक्ति शिक्षित है और काम करना चाहता है बट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तब इस परिस्थिति को बेरोजगारी कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ए पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्शन इज अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अनएम्प्लॉयड। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति किसी भी रूप में कुछ उत्पादन करने में रोजगार उसको प्राप्त नहीं है तो उसे बेरोजगारी कहा जाएगा। ये आगे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, आप सब समझते हैं। फिर सरकार ने क्या क्या किया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी लेबर फोर्स वर्क फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी अंडरस्टूड। हमें बेरोजगारी समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले कितने मजदूर लोग हैं, कितना उनका कार्यबल और कितने बेरोजगार है की दर है, वो हमें समझना होगा। द वर्क ऑफ लेबर फोर्स इज फॉर्म द पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो लेबर फोर्स है यही जनसंख्या बनाती है। हु सप्लाईज लेबर फॉर द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान के उत्पादन और सेवा के लिए ये जो लेबर फोर्स है यही काम करती है। इट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड, ये दोनों प्रकार के कार्य हैं, रोजगार कार्य और बेरोजगारी के कार्य दोनों ही है। वर्कफोर्स इज द पार्ट ऑफ द मैन पावर दैट इज इन द एम्प्लॉयमेंट। वर्कफोर्स वह है जो रोजगार में लगे हुए हैं। इफ द पर्सन डिजायरिंग टू वर्क एट द रेट प्रिवेलिंग वेज डज नॉट गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट, ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। यदि एक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो वह भी बेरोजगार की श्रेणी में आता है। ये बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। In order to mobilize unemployment related data, this organization had organized 68 round in 2011-12. हम यहाँ बात कर रहे हैं NSSO, National Sample Survey Organization, NSSO, जिसके बारे में बहुत पहले जिक्र किया जा चुका है गत चैप्टर में। तो 2011-12 में इन्होंने 68वां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या संगठन या इन्होंने एक आयोजित किया बैठक। इट वॉज फाउंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कंडीशन द वर्क फोर्स वॉज 395 पर 1000 पॉपुलेशन। ऐसा कहा गया 1000 लोगों पर 395 लोग वर्क फोर्स में हैं। अब देख लीजिए 1000 लोगों पर 395 लोग ही कार्य कर रहे हैं, बाकी सब लोग बेरोजगार बैठे हैं। एंड द वर्क फोर्स वॉज 386 इन द 68 राउंड 11-12। 2011 में ये 386 हो गया। द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट नॉर्मल पोजिशन वार 2.3%, बेरोजगारी यहाँ 2.3% थी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किस किस प्रकार की होती है। एक तो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऋतु के अनुसार बेरोजगारी। ये आपको पता है जब जब खेती बाड़ी आती है, एग्रीकल्चर होता है, तो खेती बाड़ी से संबंधित ऋतुएँ हैं समर विंटर और
रेनी सीजन, तब ये लोग रोजगार में रहते हैं, बाकी समय में ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद द डेवलपमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी वेरियाइज, आर्थिक ढांचा अलग अलग होने की वजह से अलग अलग जगह अलग रोजगार है बेरोजगार है। इन वन एरिया डिमांड इज लो एंड एंड डिमांड इंक्रीज इन अदर एरिया, जैसे एक एक एरिया में डिमांड कम है और एक में ज़्यादा है, तो जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ रोजगार ज़्यादा होगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कम होगा। तो इसको बोलते हैं दस ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेज बाई विच अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्षेत्र की वजह से जहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन टेक्निक एंड द यूज ऑफ न्यू मशीन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ रोजगार में नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जहाँ बेरोजगार बढ़ा, मशीन आने की वजह से रोजगार मशीनों ने ले लिया और लोग जनता बेरोजगार हो गई, इसे ही यूज ऑफ न्यू मशीन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बिटवीन द टू एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज कॉल्ड डिस्ट्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। व्यक्ति रोजगार सीजन के अनुसार करता है तो उसके बीच का जो टाइम है वह फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें बंदा क्या करेगा। दिस वर्क इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज, ये बदलाव की वजह से है, कई बार बदलाव की वजह से, कई बार हड़ताल की वजह से, कई बार लॉकआउट की वजह से। दिस एम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी, ये रोजगार टेम्परेरी है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये आपको पता है भाई, रेगुलेटरी एक्टिविटीज अकरिंग इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड अप एंड डाउन बिजनेस साइकिल स्पेस स्लो डाउन। जैसे आपको पता है सर्दियों में हम, आपको पता है ठेले वाले ऐसे सामान बनाते हैं जैसे एक से संबंधित है या कचौरी है पकौड़ी है जो भी है, और गर्मियों के अंदर आपको पता है कुल्फी है आइसक्रीम है ये चीज़ें, तो इनको साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और जब ये इस चीज़ की कमी होती है तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दिस आल्सो रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, इससे उत्पादन भी कम होता है और रोजगार बेरोजगारी भी बढ़ता है। ड्यू टू लैक ऑफ ओवर रेल डिमांड और बिजनेस साइकिल द प्रॉब्लम साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज, इसी प्रकार की समस्याएं बार बार होने की वजह से, चक्र की वजह से हमारे यहाँ चक्रीय बेरोजगारी उपलब्ध हो जाती है। हिडन एम्प्लॉयमेंट छद्म बेरोजगारी, ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। नॉर्मली हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हमारे खेतों में ज़्यादा होता है जहाँ एक्स्ट्रा लेबर है। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट द पर्सन अपेयर टू बी इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल प्रोडक्शन इज जीरो और नेग्लिजेबल। जैसे हम खेती बाड़ी में करते हैं, जरूर सिर्फ चार लोगों की है लेकिन हम परिवार में दस लोग हैं तो दस के दस एक साथ खेती बाड़ी में लग जाएंगे। उसमें हो सकता है दो सदस्यों का योगदान जीरो हो लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि हम भाई भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। तो पहला है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग। पहला कारण ये है कि जो व्यक्ति शिक्षित ज़्यादा नहीं है और ट्रेनिंग उसके पास नहीं है। लिटरेसी और एजुकेशन इंडिया हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है। दूसरा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लेबर फोर्स, जनसंख्या बढ़ गई है, एक एक पोस्ट पे एक एक सीट पे चार चार पाँच पाँच व्यक्ति कम पैसे में काम करने को तैयार है, ये भी बेरोजगारी है। इन अप्रोप्रिएट टेक्निक, यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से भारत में इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में नई तकनीकी अपनाई जाने लगी है, जिसकी वजह से अब लोग बाग एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से कम होने लगे हैं। ये लोग खाली हो गए, अब इनके लिए इनके पास काम कहाँ से आएगा। तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये जो नाजुक जो तकनीकी आई है ये बेरोजगारी को बढ़ाने में उत्तरदायी रही है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हम अभी भी खेतीबाड़ी में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ 50% लेबर फोर्स है खेतीबाड़ी में लगा हुआ है, लेकिन कारण ये है कि अभी भी हम हमारी कृषि में हम पुराने परंपरागत स्रोत काम में ले रहे हैं। हम आज हमारे भारत में हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ आधुनिक तकनीकी के औजार काम में लिए जा रहे हैं, बाकी जगह नहीं लिए जा रहे हैं।
जॉब लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है बिना नौकरियों के आगे बढ़ रहा है। 35 वर्ष, इंडिया हैज़ प्रोग्रेस रेपिडली इन द पास्ट 35 ईयर्स। भारत ने विगत 35 वर्षों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। बट द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली हाई इन दिस डेवलपमेंट। लेकिन सर्विस सेक्टर में योगदान ज़्यादा रहा है क्योंकि हम लोग भाई पढ़ाई के माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं। द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी ऑफ सर्विस सेक्टर इज लेस देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सो डिस्पाइट द रेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज नॉट इनफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रोजगार ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सर्विस सेक्टर में अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में ध्यान कम दिया जा रहा है। फिर भी भाई हम तीव्र एक आर्थिक ग्रोथ वृद्धि कर रहे हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग, ये सबसे बड़ा रीजन है। राजनेताओं की इच्छा नहीं होने की वजह से गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मैं बार बार इस पर जिक्र कर चुका हूँ। ऑल दो मैनी प्रोग्राम वर रन बाय गवर्नमेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट देर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यद्यपि सरकार बहुत सारा कार्य करती है फिर भी राजनीतिक इच्छा नहीं होने की वजह से इनमें तालमेल में कमी रह ही जाती है। ड्यू टू द वेरी हाई लीकेज इन दिस प्रोग्राम द बेनिफिट ऑफ इट कुड नॉट रीच द टारगेटेड इंडिविजुअल। ये इनमें लीकेज ज़्यादा होने की वजह से लोग घूस भ्रष्टाचार की वजह से आम व्यक्ति तक ये योजना नहीं पहुंचा पाते हैं। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए कुछ सुधार और सरकार की अच्छी योजनाएं। सबसे पहली बात आती है नरेगा, मनरेगा। महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है, रोजगार गारंटी जो अभियान चलाया गया, ये सबसे पहली बात है मनरेगा। देर बाई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू मनरेगा देर हैज बिन इनफ रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज। इसके माध्यम से गाँव में जो 100 दिन का या 150 दिन का जो रोजगार गारंटी से उपलब्ध करवाया गया उसे भी कुछ बेरोजगारी कम हुई है। सेवरल सेल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रनिंग इज पैरेलल हैव रिड्यूस्ड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। इससे वही सेल एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी मिले हैं। इससे शिक्षित लोग, गांव के शिक्षित लोग, कौशलधारी योग लोग इन्होंने काम शुरू किया है। इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, अर्थशास्त्रियों का ये मानना है दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के नॉट बी जीरो डाउन, कि बेरोजगारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स इन द माइनॉरिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि भारत की जनसंख्या या भारत की स्थिति ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में थोड़ी रोपी रहेगी ही। बाई अडोप्टिंग फॉलोइंग मेजर, भारत सरकार ने कुछ ये तोड़ तरीके अपनाए हैं। बाई द गवर्नमेंट एडिक्वेट रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट कैन बी डन, धीरे धीरे हम बेरोजगारी को कम कर रहे हैं। देर शुड बी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेजेज एंड सेल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट एंड द मिनिमम लीकेज इन देम। जो मेन ताना है और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है इसमें जो लीकेज है वो कम से कम किया जाए सरकार के माध्यम से, गरीब लोगों तक पहुँचे पैसा। और एजुकेशन शुड बी मेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, शिक्षा रोजगार से संबंधित दी जाए। एंड इंक्रेज यूथ टू सेल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और बढ़ावा दिया जाए आत्मनिर्भरता का और ट्रेनिंग दी जाए स्किल डेवलपमेंट की, एक्सेलरेट बढ़ावा दिया जाए द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री टू इंक्रीज द एक्सेसिव लेबर ड्यू टू इन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी के साथ साथ और मजदूरी या और कोई कार्य हम कर सके इसके लिए विकास किया जाए इंडस्ट्रीज में ताकि रोजगार बढ़ सके। द प्रोमिसिंग प्रोग्राम मेक इन इंडिया एंड इन्वेस्टिंग प्रमोशन मेजर अडोप्टेड बाई द प्रोबेबल सेक्टर विल प्रोवाइड ए फास्ट फेस टू द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया है इसको थोड़ा गति दी जाए ताकि हमारे देश में उद्योगीकरण ज़्यादा हो। ड्यू टू रेपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तीव्र औद्योगिक विकास होने की वजह से बेरोजगारी में कमी आएगी। नीड फॉर स्किल प्लानिंग इन इंडिया, मिलियंस ऑफ न्यू यूथ ज्वाइन लेबर फोर्स। भारत में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर वर्ग या लेबर फोर्स जुड़ती जा रही है। तो यदि हम इनकी कौशलता स्किल्ड प्लानिंग करके हम इनकी कौशलता बढ़ाए जा सके तो ये अच्छा और अच्छा काम कर सकते हैं। बाई मेकिंग प्रॉपर पॉलिसी दीज यूथ हैव द नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो ये नौजवान
नया रोजगार बना सकते हैं। द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसी शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वेरी एडिशन टू द प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट न्यू इंट्रांस इन द लेबर फोर्स बी केप्ट इन माइंड। रोजगार से संबंधित नीतियाँ बनाएं ताकि हमारी यहाँ जितनी भी बेरोजगारी है वो सब के सब रोजगार में बदले जा सके। तो बच्चों, इसी के साथ ही पार्ट टू पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।